चने दाल का वड़ा। इसके लिए हम लोग 250 ग्राम चना डाल के 2 घंटा पानी में भिगोना है। अभी 2 घंटा हो गया है। अभी हम एक जाली वाला बर्तन में निकाल रहे हैं पानी छोड़ने के लिए। आधा महीन पीसना है, आधा बर्दरा पीसना है। आधा मैंने रखा है। तो आधा पीस लिया और आधा है ये ऐसे पीस लिया। देखिए ऐसे पीस लिया, ऐसे बना है ऐसे। अभी बाकी डाल के पीस लेंगे। देखो पूरा पीस लिया। बनाने के लिए मैंने लिया है ये इंग्रेडिएंट्स: नमक 4-5 पत्ते करी पत्ता, अदरक 1 टुकड़ा इतना, प्याज 1 मीडियम साइज छोटा, और मिर्चा 2 सूखा वाला मिर्चा। सूखा वाला मिर्चा नहीं है तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते। मैंने ये इंग्रेडिएंट सब काट लिया है: जिंजर, प्याज, सूखा मिर्च, नमक, करी पत्ता। अभी ये एक बॉल में डाल के सब मिक्स करना है। पीसा हुआ दाल, अभी सब गोला बनाना है। देखिए ऐसे गोला बना के इसमें रखें। मैंने एक नॉनस्टिक वाला कढ़ाई रखी। कढ़ाई गर्म करने से हम लोग तेल डालें। मैंने इधर कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा है। कोई भी तेल यूज कर सकते हैं आप अपना इच्छा अनुसार, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल गरम करने के लिए ज़्यादा फ्लेम रखना है। फिर इसके बाद वड़ा डालने के बाद थोड़ा मीडियम साइज में लगाना है क्योंकि वो जल जाता है। थोड़ा डाल के देखेंगे तेल गर्म हो गया कि नहीं।
तेल गर्म हो गया है, अभी वो ऊपर आ रहा है। पहले थोड़ा पानी हाथ में लगाएंगे, ये गोला निकालेंगे। ऐसे रखते ऐसे करेंगे। वी फ्लेम कम कर, मीडियम फ्लेम मैंने रख दिया।